आलू बैंगन का भरता, बस मुंह में जाते सती घुल जाएगा ये। आज मैंने बनाया है आलू बैंगन और मटर का भरता। हम हमेशा बैंगन का भरता बनाते या तो फिर आलू का भरता बनाते हैं, अलग से अलग अलग बनाते हैं, लेकिन आज ये मैंने मिक्स करके आलू बैंगन और मटर को मिक्स करके बिल्कुल बढ़िया सा आलू बैंगन और मटर का भरता बनाया है। तो आए देखें इसे कैसे बनाते हैं। ये मैंने एक छोटे से कटोरी में पानी गरम कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी फ्रोजन मटर है ये, मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसको मैं बाजू में रख दूंगी एक 10 मिनट के लिए ढक के। ये मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए गैस के ऊपर। अब मैं इसमें डालूंगी तेल, दो बड़े चम्मच। तेल गर्म हो चुका है। अब हम डालते हैं राई, पाव चम्मच राई चटक गया है। अब इसमें हम डालते हैं जीरा, दो तीन लहसुन के कलियां ले लिए हैं। अब इसको मैं कूट लेती हूँ। ये मैंने कूट लिया है। अब इसमें डाल देते हैं डालते हैं हींग दो चुटकी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये मैंने तीन मध्यम आकार के प्याज फाइनली चॉप कर लिए हैं। अब इसको डाल देते हैं। ये सब्जी में प्याज थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज का रंग थोड़ा बदल गया है, ट्रांसल्यूसेंट भी हो गया है और एकदम लाइट गोल्डन भी हो गया है। अब इस वक्त हम डाल देते हैं अदरक लहसुन और दो हरी मिर्च डाला है मैंने इसमें, इसका पेस्ट 1 पूरा चम्मच। अब इसको तब तक फ्राई करना है जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन नहीं निकल जाता। मस्त अदरक लहसुन की खुशबू आ रही है, सौंधी सौंधी सी अदरक लहसुन पक गया है इसमें। अब इसमें हम डालते हैं सूखे मसाले, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर पाव चम्मच, लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 चम्मच डाला है भर के। आप अपने हिसाब से डालिए सब मसाले तेल वगैरह। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच डाला है, ये तीखा नहीं होता है लेकिन कलर के लिए डालते हैं। बस इसको अब मिक्स कर लेते हैं। याद रखिए कि मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है। मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं इसमें। मैंने 3 मध्यम आकार के टमाटर काट लिए हैं, बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। अब इसको डाल देते हैं। एक 2 मिनट के लिए इसे भी सौटे कर लेते हैं। अब जैसे ही हम टमाटर डालते हैं ना, वैसे ही हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, 1 टेबल स्पून। अब इसको पका लेते हैं अच्छी तरह से ढक के, 1-2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट हो गए हैं। ये मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं और इनके साइज भी मैंने बड़े बड़े काटे हैं, जैसे हम पुलाव में डालते हैं ना, वेजिटेरियन पुलाव या फिर मसाला भात में, उसी तरह से काट लेने हैं बड़े बड़े। तो हम डाल देते हैं इसमें।
इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढक के पकने देते हैं 7-8 मिनट के लिए, लेकिन बीच बीच में हमको चलाना है क्योंकि हम ये सब्जी में बिल्कुल पानी नहीं डालने वाले हैं। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ और पकने के लिए रख देती हूँ। तब तक हम दूसरा स्टेप लेते हैं। मैं ये दूसरे गैस के ऊपर रख देती हूँ। अब मैंने लिए 2 बैंगन, भरता के बैंगन है ये, लंबे लंबे बड़े। तो पहले हम इसे कट दे देते हैं। है ना एकदम अलग तरह की सब्जी। इसके ऊपर ये डाल देते हैं। पहले हम इसको तेल लगा देते हैं ताकि आसानी से निकल जाए। इसके ऊपर रख देते हैं, इसको भी लगा लेंगे। और इसको भी रख देते हैं भुनने के लिए, जैसे भरता को करते हैं ना वैसे। 3-4 मिनट हो गए हैं आलू को पकते हुए, तो मैं उसको मिक्स कर लेती हूँ, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। चारों तरफ से इसे भून लेते हैं। ये मटर हो गए हैं सोक करते हुए 10 मिनट, तो मैं इसको छान लेती हूँ। ये मैं मटर छान लेती हूँ। अब इसी में निकाल लूंगी मटर, तैयार है बिल्कुल पकने के लिए। जैसे आलू 80% पक जाता है ना, तब हम मटर इसमें डाल देते हैं। देखते हैं, ये हो गया 80% और थोड़ा पका नहीं है, तो अब हम डाल देते हैं इसमें मटर। मैं इसमें मटर डाल देती हूँ और इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। फिर से इसे पकने के लिए रख देती हूँ ढक के। ये हो गए हैं, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब इसको छील के मैं बर्तन निकाल लूंगी उसका। फिर से मैं ये सब्जी इस तरफ रखूंगी। अब ये देखते हैं कैसे हुए हैं। ये सॉफ्ट हो गया है। अब ये जो सब्जी है आलू मटर की तरह हम खा सकते हैं, और अगर आपको ये बैंगन डालना है इसमें तो ये बन गया आलू बैंगन का भरता। ये हम डाल देते हैं इसमें। एकदम यूनिक रेसिपी है, एकदम मस्त बनने वाला है ये। हम इसे पका लेते हैं कवर करके और 5-6 मिनट। मस्त एकदम बन गया है। बहुत अंश आलू भी एकदम स्मैश हो गए हैं, छोटे छोटे बन गए हैं। ये हो गया है, अब इसमें हम डालते हैं हरा धनिया। गरम मसाला 1/4 चम्मच इसको मिला लेते हैं और अब इसे सर्व कर लेते हैं और एंजॉय करते हैं पराठे, रोटी, नान, तंदूरी रोटी, पूरी और चावल के साथ, गर्मा गर्म चावल के साथ। तो चलिए मैं इसे सर्व कर लूँ। ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और इतना टेस्टी बन गया है। आलू भी बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। बच्चों को तो पसंद आएगा ही आएगा।